प्रतापपुरा में एफएमजे हाउस में से 29 मार्च की शाम 5,78,70,510 रुपए लूटने के केस में महीने से फरार चल रहे एएसआई जुगिंदर सिंह और राजप्रीत ने छुपने के लिए खन्ना से हजारों किलोमीटर दूर कोची को चुना। कोची से करीब 40 किलोमीटर दूर अंगमबली शहर में फादर एंथनी का भी अपना पैतृक घर है। फादर को जब यह पता चला तो वह खुद हैरान के हैरान रह गए। दोनों आरोपी उनके होम टाउन में जाकर ही छिपे हुए थे। फादर ने कहा कि डीजीपी के ट्वीट से ही उन्हें पता चला कि दोनों आरोपी कोची के होटल में पकड़े गए हैं। दोनों आरोपियों से करीब 8 लाख रुपए मिले हैं। इस दौरान वे करीब 15 लाख रुपए खर्च चुके हैं। पुलिस का ये भी पता चला है कि दोनों ने ऑनलाइन कुछ विदेश में भी कैश भेजा है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज। जो पकड़े गए हैं पुलिस वाले, जिन पे पुलिस को था कि ये लोग पैसे लेके भागे हैं, कैसी खबर आपके लिए है, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इतने अच्छी खुशखबरी आई है कि दोनों बंदे पकड़ा गया है। मेरा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी भी पैसा भी जो गायब हुआ है वो रिकवर हो जाएंगे, और पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो दिन रात काम कर रहा था, तो उम्मीद था कि वो जल्दी से जल्दी बंदे पकड़ लेंगे। सो जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम, मिस्टर सिन्हा जी और डीजीपी सब मिलकर एक काम इसको मतलब सक्सेसफुल किया, तो अभी उम्मीद है जल्दी से जल्दी पैसा भी रिकवर हो जाएंगे। पूरा एक महीना आज हो गया है, एक महीना कैसा रहा, कितनी आपको परेशानी आई मानसिक तौर पे और जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस रहा? और इट वाज बहुत बहुत डिफिकल्ट महीना था क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने पेमेंट करना था, मैंने चेक्स वगैरह दिए हुए थे पर बैंक में पैसे जमा नहीं कर पाए, इसलिए कुछ चेक्स जो है वो रिबाउंड भी हो चुका है। और कुछ लोगों को ठीक है, वो समझता था कि ऐसे हुआ है, पर अभी 10-15 दिन से ज़्यादा वो भी नहीं रोक सकते, इसलिए काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कब तक पेमेंट हो जाएंगे। सो मैं सभी के आगे हाथ जोड़ता था कि थोड़ी टाइम और दे दूँ, जल्दी से जल्दी मैं आपको पैसा दे देंगे, अपना पेमेंट जो रहती है वो दे देंगे। किस तरह का एक्शन चाहती हैं आप, जिन लोगों ने आपको इतना हैरान किया, आपका पैसा लेके जो आपके? बस मैं तो सभी को पहले दिन ही माफ़ किया हुआ है, पर अभी जो कार्रवाई है लीगल जो है वो तो चलते रहेंगे। मुझे और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट ओनली थिंग इसी में थोड़ा मेंटल हरासमेंट हुआ है, या कुछ मेरा इमेज को तो बहुत बदनाम किया है कुछ लोगों ने, पर उसी में कोई बात नहीं, ऐसी जब होती है तब कई बार ऐसे हो जाते हैं, नो इश्यू। बट मुझे यही है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस आ जाए, एज जिस तरह मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स जितना भी पैसा था वो कोई ब्लैक मनी नहीं था, कोई हवाला का नहीं था, दिस आर ऑल मनी ऑफ द बिजनेस। सो जल्दी से जल्दी पैसा वापस आ जाए, फिर मैम जिसको जिसको देना है उसको दे देंगे, क्योंकि उसका भी घर में जो टेंशन है वो भी थोड़ा हास हो जाएंगे।